अभी आपने ये पंप देखा, ये बहुत सरल सा पंप है। अब हम देखेंगे कि इस पंप का निर्माण किस तरह से हुआ है। इसके लिए हमको दो प्लास्टिक के सिरिंज चाहिए। ये वो इंजेक्शन है जो एक बार इस्तेमाल करके फेंक दिए जाते हैं। अब अगर इस सिरिंज को देखें तो इसकी जो ये नली है ये प्लास्टिक की है और बिल्कुल एक बेलनाकार है। इसका कटान सब तरफ से एक गोल होगा तो बहुत ही अच्छी एक सिलेंडर या एक बेलनाकार डिब्बी बन जाती है। और इसके अंदर जाता है एक ये प्लंजर। ये प्लंजर है और इसमें एक रबर लगी होती है, रबर का वॉशर लगा होता है। और ये प्लंजर जो है इसकी बैरल या इसका जो सिलेंडर है उसके अंदर एकदम टाइट बैठता है तो इससे पानी का कुछ भी लीकेज नहीं होता। इस सिलेंडर में एक और खास बात है इंजेक्शन में कि एक इसमें यहां पर एक छेद होता है और इस छेद के अंदर हम एक साइकिल के जो पेडल में गेंदे इस्तेमाल करते हैं, स्टील की बॉल्स इस्तेमाल करते हैं, तो हम एक साइकिल का छर्रा लेते हैं और उस छर्रे को अगर इस नली में डाल दें तो वो जा करके उस छेद को ब्लॉक कर देता है, बंद कर देता है। तो इस तरह से ये एक नीचे से तो पानी ऊपर की ओर चढ़ सकता है पर ऊपर से पानी नीचे नहीं जाएगा। तो इस प्रकार ये एक तरह की ट्रैफिक लाइट बन जाती है जिससे कि ये तो हरी बत्ती हो जाएगी और ये उसके अंदर लाल बत्ती हो जाएगी। यहाँ तो होगा गो और यहाँ होगा स्टॉप, यानी एक ही दिशा में इसमें पानी नीचे से ऊपर जा पाएगा। इसी को हम एक वाल्व कहते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है किसी पंप के लिए, हैंड पंप के लिए, कि ये एक वाल्व बन जाता है। इसमें नीचे से ही पानी ऊपर आएगा पर ऊपर से नीचे नहीं जा सकता। तो ये सिलेंडर हो गया, ये हमारा यहाँ पर पिस्टन है और ये एक वाल्व है। तो ये तो एक सिरिंज हो गई और हम इसके पिस्टन को अब लगा देते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर इस वाले सिरिंज में हमने एक छेद करके एक प्लास्टिक की नली से इसको दूसरे सिरिंज के मुंह में लगा दिया। यहाँ पर हमने छेद करके एक नली डाली, थोड़ा सा गोंद लगा दिया कि यहाँ से पानी जो है रिसे नहीं, उसका लीकेज ना हो। और नली का दूसरा सिरा हमने सिरिंज के मुंह में लगा दिया टाइट फिट। अब ये दूसरा जो सिरिंज है इसमें भी एक पिस्टन है पर ये स्थायी रहता है, ये अपनी जगह से हिलता डुलता नहीं है। और इसके अंदर भी उसी तरह से आप देखेंगे एक साइकिल का छर्रा लगा हुआ है। इसको हम निकाल के एक बार दोबारा देख सकते हैं। ये साइकिल का छर्रा निकल आया। ये वो स्टील की गेंद है जो छेद को बंद करेगी, खोलेगी, यानी एक वाल्व का काम करेगी और इसको लेकर के हम इस नली के अंदर डाल सकते हैं। और अंत में इसमें एक बात और है कि यहाँ पर एक छेद करके इस बिंदु पे हमने एक छेद कराए और एक बॉल पेन की रीफिल लगा दी है, टाइट फिट कर दी है। ये पानी के निकासी की नली है या जिसको डिलीवरी ट्यूब कहेंगे। पर एक बार और इसमें महत्वपूर्ण ये है कि अगर ये कोई भी सिरिंज टेढ़ी होगी, इन दोनों सिरिंजों को बिल्कुल सीधी स्थिति में रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर इसमें थोड़ी सी भी किसी कोण पर झुकी होगी तो ये छर्रे जो हैं साइकिल के छर्रे ये छेद को अच्छी तरह से बंद नहीं करेंगे। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है कि दोनों सिरिंज एकदम खड़ी स्थिति में रहें तभी ये छर्रे छेदों को बंद करेंगे, खोलेंगे, छेदों को बंद करेंगे, खोलेंगे। तो एक बार इसके जितने अंजर पंजर हैं उनको एक बार और देखते हैं। यहाँ पर एक सिलेंडर है और एक पिस्टन है और यहाँ पर एक ये वाल्व है जो साइकिल के छर्रे का बना है। यहाँ पर एक निकासी की नली है और एक दूसरा वाल्व है जिसको हम कि डिलीवरी वाल्व कहेंगे। एक सक्शन वाल्व, एक डिलीवरी वाल्व, एक सिलेंडर और एक पिस्टन। और ये सक्शन ट्यूब है जो पानी को ऊपर की ओर खींचेगी। अब इस तरह किसी भी हैंड पंप के सारे अंजर पंजर इसके अंदर मौजूद हैं। इस पंप की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि हम इसको चलते हुए देख सकते हैं और जब पिस्टन को ऊपर खींचते हैं तो कौन सा वाल्व खुलता है, कौन सा बंद होता है, इसका हमको प्रत्यक्ष आँखों से देख सकते हैं। तो उसकी एक अनुभूति होती है, उसको महसूस कर सकते हैं,
पंप के पेट में क्या हो रहा है, इस दृश्य को हम देख सकते हैं अपनी आंखों से, तो उसकी तस्वीर हमारे दिमाग में, उसका चक्र, पूरे पंप का साइकिल क्या है, वो हमारे हमको अच्छे तरह से समझ में आता है। और किसी भी बच्चे के लिए हैंड पंप किस तरह से काम करता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि खास करके हमारे गांव के इलाके के अंदर बहुत से लोग हैंड पंप से पानी पीते हैं, क्योंकि बहुत गहराई से ज़मीन से आता है तो ये पानी अधिक शुद्ध होता है। तो हर एक बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो समझे कि हैंड पंप किस तरह से काम करता है।